1994, भारतीय राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी आधिकारिक यात्रा पर मस्कत का दौरा कर रहे थे और जब एयर इंडिया का विमान ओमान में उतरा तो तीन दिलचस्प घटनाएं हुई। एक, ओमान किंग कभी भी किसी भी देश के गणमान्य व्यक्तियों को रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं जाते, कभी नहीं। लेकिन ओमान का राजा राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर आते हैं। दो, जब फ्लाइट उतरी तो राष्ट्रपति जहाज की सीढ़ियों से नहीं उतरे, बल्कि ओमान के राजा राष्ट्रपति को उनकी सीट से रिसीव करने के लिए सीढ़ियां चढ़कर जहाज में गए। ये भी पहली बार हुआ था। तीन, जहाज से उतरने के बाद शॉफर खड़े रहते हैं, ड्राइवर्स जिन्हें हम कहते हैं, एक कार थी, लेकिन ओमान किंग ने चालक को अलग करने के लिए इशारा किया और ओमान के राजा ने स्वयं उस कार को चलाया जिसमें राष्ट्रपति बैठे थे। बाद में जब संवाददाताओं ने राजा से सवाल किया कि उन्होंने इतने सारे प्रोटोकॉल्स क्यों तोड़े, तो किंग ने जवाब दिया कि मैं श्री शर्मा को रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति थे, बल्कि मैंने भारत में अध्ययन किया और कई चीजें सीखी। जब मैं पुणे में पढ़ रहा था तब श्री शर्मा मेरे प्रोफेसर थे और यही कारण है कि मैंने ये किया। दोस्तों, यही शिक्षक होने की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षक होना अपने आप में इसीलिए गौरवपूर्ण माना जाता है।